लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक पहुंचे हजरतगंज थाना, वहां इंतजामों का किया निरीक्षण। थानों का निरीक्षण, फरियादियों की समस्याएं जानने और इस संबंध में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या प्रभावी कार्य हो सकते हैं, यही सब निरीक्षण करने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा यूपी के अंदर कानून का राज हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ जो पुलिस की इंफ्रास्ट्रक्चर है, मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल की। योगी आदित्यनाथ ने कल सचिवालय में भी किया था औचक निरीक्षण, गंदगी को लेकर जताई थी नाराजगी। लखनऊ में ऊर्जा मंत्री बनाए गए श्रीकांत शर्मा ने कार्यभार संभाला, अधिकारियों को दिलाई सफाई की शपथ। यूपी में कैबिनेट मंत्री बनाए गए सतीश महाना ने भी कार्यभार संभाला, अधिकारियों को दिलाई सफाई की शपथ। कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान भी पहुंचे दफ्तर, संभाला कार्यभार। यूपी के सरधना से बीजेपी विधायक संगीत सोम सीएम योगी से मिलने पहुंचे, कहा लोगों के पलायन का मुद्दा जल्द दूर होगा। दिल्ली के हंसराज कॉलेज में 25 और 26 मार्च को आरएसएस का ज्ञान संगम कार्यक्रम, अलग अलग विश्वविद्यालयों के शिक्षक होंगे शामिल। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, पिछली सरकारों के तमाम डील की होगी जांच, कहा भ्रष्टाचार के प्रति अपनाएंगे जीरो टॉलरेंस। केशव मौर्य ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा भ्रष्ट ठेकेदारों की लिस्ट तैयार कर उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाए। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी अपने दफ्तर पहुंचे, पहले दिन सफाई अभियान के प्रति अधिकारियों को दिए खास निर्देश। कर्मचारी समय पर आए और समय पे ही नहीं आए बल्कि जो कार्य का निस्तारण है समय के अनुसार करें, फाइलिंग सिस्टम ठीक हो और ऊपर से सुधार हो। राज्य मंत्री बनाए गए उपेंद्र तिवारी भी एक्शन में दिखाई दिए, खुद अपने दफ्तर में लगाई झाड़ू। यूपी के बीजेपी सांसदों से ब्रेकफास्ट पर मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बोले पुलिस और अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से दूर रहे सांसद। मोदी ने सांसदों को दी नसीहत, कहा अधिकारियों पर नहीं बनाए दबाव, बोले जो अधिकारी गलत काम करेंगे वो परिणाम भुगतेंगे। यूपी के बीजेपी सांसदों से मोदी बोले सुशासन ही मूल मंत्र होगा, भले ही इसका फायदा विरोधी पार्टियों को मिलता हो। पीएम के साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह, मुरली मनोहर जोशी भी थे मौजूद, सांसदों ने भी रखी अपनी राय। कल लोकसभा में पेश किया जा सकता है जीएसटी बिल, उससे पहले जेटली की अहम बैठक आज, वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी जानकारी। यूपी में एक्शन में दिखा एंटी रोमियो स्क्वाड, कई जिलों में सड़क छाप मंचलों को सिखाया गया सबक। लखनऊ में गर्ल्स कॉलेज के बाहर से गुजरने वाले लड़कों पर शिकंजा, बेवजह घूम रहे लड़कों को चेतावनी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी सड़क छाप मजनुओं के खिलाफ अभियान, 17 युवकों के खिलाफ कार्रवाई। मेरठ में भी सड़क छाप मजनुओं पर एंटी रोमियो स्क्वाड की सख्ती, शहर के पार्कों में घूमकर कार्रवाई। गोरखपुर में भी एंटी रोमियो स्क्वाड ने संभाला मोर्चा, सड़क छाप मजनू के खिलाफ कार्रवाई। शामली में पुलिस ने सादे कपड़े पहनकर चलाया एंटी रोमियो अभियान, गली मोहल्ले और बाजारों में कड़ी नजर। मुरादाबाद में पुलिस ने एंटी रोमियो दल बनाकर चलाया जबरदस्त अभियान, बेवजह घूमते 15 युवकों को लिया हिरासत में, कैमरे के सामने की पिटाई। इलाहाबाद में एक्शन में एंटी रोमियो स्क्वाड, महिला कर्मचारियों को दी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। एंटी रोमियो अभियान पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, रेणुका चौधरी बोली शरीफ लोग होंगे परेशान। यूपी के डीजीपी ने एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर दिया भरोसा, बोले बेवजह परेशान करना नहीं अभियान का मकसद। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 2 हफ्ते के लिए टली, बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती समेत 13 बड़े नेताओं पर अब 6 अप्रैल को होगी सुनवाई। केंद्रीय मंत्री उमा भारती का बयान, अगर रामलला के लिए जान भी कुर्बान करनी पड़े तो दे दूंगी। मुंबई में आज 4वें दिन भी रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी, सायन अस्पताल में सुबह से मरीज परेशान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अपील, रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल खत्म कर काम पर लौटे। दिल्ली के अस्पतालों के करीब 40,000 रेजिडेंट डॉक्टर समर्थन में आए, आरएमएल समेत कई दूसरे अस्पताल में बढ़ी परेशानी। गाजियाबाद के मसूरी में मीट कोल्ड स्टोरेज पर छापा, प्रतिबंधित पशुओं के मीट की खबर पर कार्रवाई। बागपत में प्रशासन का अवैध पशु कटान और मांस की दुकानों पर छापा, बड़ौत में कई दुकानें सीज। शाहजहांपुर में भी प्रशासन ने स्लॉटर हाउस पर की छापेमारी, काम करने वाले मौके से फरार।
अमरोहा में तहसीलदार ने पुलिस फोर्स के साथ जाकर बंद कराया अवैध पशु बाजार, कागज ना दिखा पाने पर कार्रवाई। गो हत्या पर पाबंदी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने निजी वेबसाइट पर मांगी राय, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं लोग। गोंडा में शराब की दुकानों और वहां शराब पीने वालों पर कार्रवाई, माफी मांगकर लोगों ने बचाई जान। वाराणसी में सड़क किनारे शराब पीने वालों पर पुलिस का धावा, पुलिस ने किया 14 को गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने पब्लिक प्लेस पर शराब पीने वालों पर की कार्रवाई, शहर भर में चेकिंग अभियान। गाजियाबाद के कौशाम्बी में पुलिस ने उक्काबार पर की रेड, दर्जन भर युवक हिरासत में। रामपुर में नेश्वरी फोर्क के किनारे पुलिस ने होटलों और ढाबों पर की चेकिंग, शांति भंग करने वालों पर कार्रवाई। तमिलनाडु में शशिकला गुट को मिली नई पहचान, चुनाव आयोग ने दिया ऑटो रिक्शा चिन्ह, पनीर सेल्वम कैंप को मिला बिजली खंभा सिंबल। आगरा माल पहुंचे सपा नेता अमर सिंह, कहा योगी के आने से यूपी होगा रोग मुक्त। जयप्रदा के साथ बगलामुखी माता के दर्शन करने पहुंचे अमर सिंह, योगी आदित्यनाथ की तारीफ, राम मंदिर निर्माण का लिया पक्ष। मंत्री बनने के बाद अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू, बोले जो कुछ हूं इसकी वजह से ही हूं। मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू का पीए बनना चाहती हैं उनकी पत्नी नवजोत कौर, बिना सैलरी लिए काम करने का दिया ऑफर। बोर्ड परीक्षा की वजह से एमसीडी चुनाव की तारीख में फेरबदल, अब 22 की जगह 23 अप्रैल को पड़ेंगे वोट, 26 अप्रैल को आएंगे नतीजे। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव के लिए तेज किया प्रचार अभियान, डोर टू डोर कैंपेन का आगाज। बेंगलुरु में 1,28,00,000 के पुराने नोट बरामद, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धनबाद में पूर्व डिप्टी मेयर समेत 4 लोगों की हत्या केस में 10 के खिलाफ एफआईआर दर्ज, लेकिन अभी तक आरोपियों का सुराग नहीं। राजस्थान के झालावाड़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, 6 कार्यकर्ता जख्मी। आतंकियों के खुरासान मॉडल पर बड़ा खुलासा, पिछले साल 11 अक्टूबर को लखनऊ में पीएम मोदी के स्टेज से 2.5 मीटर की दूरी पर किया था टेस्ट धमाका। सूत्रों के मुताबिक टेस्ट के दौरान आतंकियों ने एक साइकिल सवार को मार दी थी गोली, आतंकी सैफुल्ला भी था शामिल। लखनऊ एनकाउंटर में गिरफ्तार आतंकी आतिफ और दानिश को लेकर लखनऊ पहुंची एनआईए, सूत्रों के मुताबिक आज कानपुर और यूपी के दूसरे शहरों में भी एजेंसी करेगी जांच। पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने फिर अल्लापा कश्मीर रहा, कहा जम्मू कश्मीर बुनियादी मसला है, समाधान जरूरी। पाकिस्तान दिवस पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में अब्दुल बासित ने कहा भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है पाक। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े ठग, पति और पत्नी प्लेसमेंट एजेंसी की आड़ में बनाया लोगों को शिकार, 80,00,000 का सामान बरामद। यूपी के बुलंदशहर में एक सिपाही ने सरकारी राइफल के साथ किया हंगामा, पुलिस लाइन में बद इंतजामी से परेशान था सिपाही। मऊ में सरेआम महिला ने एक शख्स को मारे थप्पड़, धोखा देने पर लगाया इल्जाम। आईएसआई के धमकी भरे खत के बाद राजस्थान के धौलपुर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा चौकस, आरपीएफ और पुलिस ने की चेकिंग। हल्द्वानी में एक शख्स ने भाई को मारकर पानी की अंडरग्राउंड टंकी में डाला, पुलिस ने पूछताछ में कबूला जुर्म। दिल्ली के खानपुर में ट्रांसपोर्ट ऑफिस पहुंचे बदमाश ने मारी एक शख्स को गोली, मौके से फरार। मुजफ्फरनगर के कोतवाली इलाके में नाबालिग से रेप, घर में घुसकर आरोपी ने दिया वारदात को अंजाम। फिरोजाबाद के टुंडला में टोल प्लाजा पर गुंडागर्दी, सीसीटीवी में कैद हुई टोल कर्मियों की पिटाई। मुजफ्फरनगर में दूल्हा बुलेट बाइक की मांग पर अड़ा, दुल्हन पक्ष ने बारातियों को बनाया बंधा। यूपी के गोंडा में खेत में मिली 2 दिन की नवजात, बाल शिशु गृह में पहुंचाया गया। दिल्ली के डाबरी में घर में बंधक एक महिला और 20 साल की लड़की को लोगों ने छुड़ाया, अंधविश्वास के चलते बुजुर्ग ने बनाया कैदी। मुंबई में डॉक्टरों की हड़ताल के बीच सायन अस्पताल में महिला डॉक्टर पर हमला, मरीज के परिजनों पर आरोप। गाजीपुर में पड़ोस के नाबालिग युवक ने 6 साल की बच्ची को फुसलाकर किया दुष्कर्म, लड़की गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मुरादाबाद में चाचा ने ही 6 साल की भतीजी से किया बलात्कार, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। थाने के डोंबिवली में अस्पताल में घुसकर लोगों ने एक शख्स की पिटाई, शख्स की बाइक से घायल हुआ था युवा। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के घर के बाहर एनईईटी छात्रों का प्रदर्शन, परीक्षा के फॉर्मेट में बदलाव को लेकर बवाल। अजमेर ब्लास्ट मामले में सजा का ऐलान, भावेश पटेल और देवेंद्र गुप्ता को आजीवन कारावास। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 2007 में हुआ था धमाका, स्वामी सीमानंद भी थे आरोपी, लेकिन कोर्ट ने दी क्लीन चिट। गुजरात एटीएस ने गैंगस्टर दाऊद लाला को अहमदाबाद में दबोचा, राजस्थान में हत्या और फिरौती के 10 से ज्यादा मामले। दिल्ली के संगम विहार में दिल दिला देने वाली वारदात, एक तरफा प्यार में लड़की के ऊपर फेंका तेजाब, आरोपी ने किया सरेंडर। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के झगड़े पर चश्मदीद का बयान, कहा फ्लाइट में कपिल ने की सुनील ग्रोवर के साथ बदतमीजी। शादी ना करने पर करण जौहर ने तोड़ी चुप्पी, कहा मेरी आंखों के सामने मेरी प्रेमिका ने कर ली दूसरे से शादी। पप्पी लहरी ने किया फिल्म ब्लू माउंटेन्स का म्यूजिक लॉन्च, 7 अप्रैल को रिलीज होगी फिल्म।
सोनाक्षी सिन्हा की अपकमिंग फिल्म नूर का गुलाबी गाना हुआ रिलीज। 70 के दशक के सुपरहिट गाने गुलाबी आंखें काहे भी में। करौली में मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने पहुंचे अभिनेता संजय दत्त, बिना पूर्व सूचना के पहुंचे संजय। बीसीसीआई डबल की क्रिकेटर्स की सैलरी, पुजारा जडेजा विजय की ग्रेड ए में एंट्री। ग्रेड ए क्रिकेटर्स की सैलरी 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए सालाना कर दी गई है। वहीं ग्रेड बी क्रिकेटर्स की सैलरी 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई। कोहली के बचाव में आए क्लार्क, कहा ऑस्ट्रेलिया के 2-3 रिपोर्टर कर रहे हैं कोहली की इमेज खराब। स्टार्क ने किया टीम इंडिया पर हमला, कहा हार के डर से टीम इंडिया के खिलाड़ी कर रहे हैं जुबानी हमला। ईटानगर में पैरालंपिक खेलों का आयोजन, खिलाड़ियों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। लंदन में ब्रिटिश संसद के बाहर आतंकी हमला, 10 मिनट में 2 जगहों को आतंकियों ने बनाया निशाना, हमलावर समेत 5 लोगों की मौत, 40 घायल। पहले हमले में आतंकी ने वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर लोगों को कार से कुचला, कम से कम 5 लोगों पर हमलावर ने चढ़ाई कार। संसद की बाहरी दीवार के पास दूसरा हमला, आतंकी ने पुलिसकर्मी की चाकू से गोदकर की हत्या, जवाबी हमले में हमलावर ढेर। लंदन के बेहद सुरक्षित इलाके में हमले से थर्राया शहर, दहशत के मारे घरों में कैद हुए लोग। लंदन पुलिस ने लोगों को खास इलाके से दूर रहने के लिए कहा, वेस्टमिंस्टर अंडरग्राउंड स्टेशन को भी कुछ देर के लिए किया गया बंद। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा से की बात, मृतकों के परिजनों के लिए जताई संवेदना। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा ने बताया आतंकी हमला, कहा ब्रिटेन ऐसे हमलों से डरने वाला नहीं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने लंदन हमले पर जताया शोक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी शोकाकुल परिवारों के प्रति जताई संवेदना।